नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। एक बड़ा अपडेट दिल्ली से आ रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी कस्टडी से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। जी हां, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को। यह अभी का बड़ा अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 दिन पहले गिरफ्तार किया था। पहले ईडी ने 6 दिन का रिमांड मांगा था, 6 दिन का रिमांड भेज दे दिया गया अरविंद केजरीवाल का ईडी को। उसके बाद जब उन्हें 4 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तब उनका 4 दिन का जो रिमांड है वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब संभावनाएं क्या है, क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। लगातार लोग इस बात के मैसेजेस कर रहे हैं, ये बात इस समय ट्रेंड कर रही है ट्विटर के ऊपर कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, संजय सिंह को जेल भेज दिया गया, राज्यसभा सांसद थे, और अब 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था शराब घोटाले में। यही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड और सरगना तक कोर्ट में बता दिया था। 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तब अरविंद केजरीवाल ने अपने केस की खुद पैरवी की थी और कोर्ट के सामने ये सवाल उठाए थे कि क्या महज किसी का बयान देना किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के लिए काफी है। ये जाहिर तौर पर अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल था। आपको बता दें कि इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनावों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में काफी बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो विपक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा पूरा करने के लिए विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल भेज रही है। कल दिल्ली में विपक्ष की बहुत बड़ी, इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी रैली भी हुई थी, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे वो वहां पर मौजूद थे और सभी ने एक एक कर सत्ताधारी बीजेपी के ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप भी लगाए थे। वहीं बीजेपी की ओर से तमाम जो नेता है वो लगातार टीवी पर आकर ये बात कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने किया उसका भुगतान तो उन्हें करना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी देर से हुई है और अब वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे। पहला विकल्प कि हर 14 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल की जो ईडी कस्टडी से वो बाहर आए हैं, अब जुडिशियल कस्टडी भेजा गया उन्हें, अब हर 15 दिन बाद जुडिशियल कस्टडी उनकी जो है वो एक किस्म से बढ़ती रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट जा सकते हैं, जो वो ऑलरेडी गए हुए हैं, उसकी तारीख भी है 1-2 दिन में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ना तो संजय सिंह को अभी तक राहत मिली है, ना मनीष सिसोदिया को राहत मिली है और ना ही सत्येंद्र जैन को राहत मिली है, जो कि दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी, क्योंकि अभी भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ईडी कस्टडी से उन्होंने काफी जो आदेश है वो बाहर के लिए जारी किए थे। अब देखना होगा कि अब क्या जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल सरकार जेल से चलाएंगे, क्योंकि अपने आप में बड़ा और नए किस्म का यानी कि मुद्दा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री भी हैं, जेल में भी हैं और सरकार भी चला रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, ये अपनी राय जरूर दें कि क्या अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर राजनीति के तहत गिरफ्तार किया गया है या फिर वाकई ही अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत हासिल की है, जैसा कि उनके ऊपर आरोप है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर यह बड़ा अपडेट था। आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको जरूर बताएंगे। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।